कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को नीच कहते हैं। हम बताते चलें कि कल ही पटना में एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार बोल रहे थे और नीतीश कुमार ने इस प्राइवेट न्यूज चैनल के अपने कार्यक्रम में कहा था, अपने संबोधन में कहा था कि जो बातचीत का स्तर है वो स्तर कहीं ना कहीं ऊंचा होना चाहिए। नीतीश कुमार की इसी बात को कुशवाहा ने अपने ऊपर ले लिया, अपने दिल पर ले लिया और अपने दिल पर लेने के बाद जो इस बात का रिएक्शन है आज मुजफ्फरपुर में दिखा, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया है, सीधा अटैक किया है। दोनों के बीच जो दरार है वो स्पष्ट तौर पे अब दिखनी शुरू हो गई है और कल जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने बोला था, आज उसके जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम पर नीतीश कुमार पर सीधा प्रहार किया है, जिसमें उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का डीएनए का रिपोर्ट मांगा है। केवल डीएनए का रिपोर्ट ही नहीं मांगा बल्कि इतना तक कह दिया कि नीतीश कुमार ने उन्हें यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को नीच तक कहा है। तो इस पल की बड़ी ब्रेकिंग खबर है, कहीं ना कहीं एनडीए के लिए बड़ी चिंता की बात है। एनडीए के दो दिग्गज नेता जो है बिहार में इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जो है यह संदेश बहुत स्पष्ट अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि हम बताते चलें कि कई दिन हो चुके हैं एनडीए की तरफ से अमित शाह और नीतीश कुमार ने कहा था, दिल्ली में कहा था कि सीट शेयरिंग की जो सार्वजनिक घोषणा है अगले 3 दिनों के अंदर में हो जाएगी, मगर वो 3 दिन अब तक नहीं आए हैं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में भूपेंद्र यादव से मिलने के लिए गए थे और भूपेंद्र यादव से मिलने के बाद अपनी मांग को उन्होंने रख दिया था, लेकिन अब तक पूरा बिहार इंतजार कर रहा है कि एनडीए अपनी सीट शेयरिंग की स्थिति को स्पष्ट करे। अब दिवाली भी आने को है और उम्मीद की जा रही है कि सीट शेयरिंग की कोई भी स्थिति जो है वो छठ के बाद ही संभव हो पाएगा। कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की आपत्ति जो है इसकी वजह से ही सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है, ये हर राजनीतिक जानकार कह रहा है। लेकिन अब जो है बिहार की राजनीति में दिवाली से पहले नया हलचल मच गया है, नया हलचल उपेंद्र कुशवाहा के बयान से मचना है और मच भी चुका है कि उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ा प्रहार करते हुए, सीधा प्रहार करते हुए, सीधा अटैक करते हुए उनसे उनके डीएनए का रिपोर्ट मांगा है। केवल डीएनए का रिपोर्ट ही नहीं मांगा है बल्कि कुशवाहा ने यह तक कह दिया कि नीतीश कुमार जो है उन्हें नीच कह रहे हैं। आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से बिहार में राजनीतिक हलचल मचनी है, बयानबाजी तेज होनी है और इसका असर जो है दिल्ली तक दिखेगा। अभिषेक चंद्रा, लाइव सिटीज, पटना।